नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूं राशिका बजाज। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित झारखंड की पूर्व खान उद्योग सचिव निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जेल से बाहर आने के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। ईडी की विशेष अदालत में उनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की गई। इससे पहले पूजा सिंघल के वकील की ओर से कहा गया कि जेल में उनकी तबीयत खराब है, उनका रक्तचाप बढ़ा हुआ है, उन्हें थायराइड की समस्या है, उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। पूजा सिंघल के वकील द्वारा पक्ष रखने के बाद ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। रांची की विशेष अदालत ने ईडी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले में 4 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी, तब तय होगा कि पूजा सिंघल को अदालत जमानत देती है या फिर उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आईएएस पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रिमांड पर लेकर ईडी ने पूजा सिंघल से लगातार 14 दिनों तक पूछताछ की थी। पूछताछ की अवधि समाप्त होने के बाद 25 मई को उन्हें अदालत में पेश किया गया था, जहां से पूजा सिंघल को जेल भेज दिया गया था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।